ताजमहल का वो दरवाजा जिसे खोलने से सरकार भी डरती है। दोस्तों, पूरी दुनिया आज भी कई रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों को आज सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर छोड़ दिया जाता है और कुछ को उन देशों की सरकारी संस्थाएं आज भी छुपाने की कोशिश कर रही हैं। भारत में भी ऐसे कई रहस्य हैं जिन्होंने दुनिया को चकरा कर रख दिया है। कई रहस्य हैं जो दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी छुपा कर रखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक रहस्य है ताजमहल के तहखाने का रहस्य। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सबको बताने से हर सरकार डरती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के उस दरवाजे के बारे में जिसे खोलने से सरकारें भी डरती हैं। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण सन 1631 में शुरू करवाया गया था और सन 1653 में यह बनकर तैयार हुआ। इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक बेमिसाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका आज भी मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, यह धरती के अंदर भी उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। उस समय कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से भी एक रास्ता है जो कहीं दूर बाहर निकलता है, लेकिन उन तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया था। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से ही बंद करवाया गया था, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से इन कमरों को बंद किया गया है, उन ईंटों का निर्माण इन कमरों के बाद किया गया। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि इन कमरों को बनाने के बाद इनको बंद करना पड़ा? पुरातत्व वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज महल की कब्र को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया है इसकी पूरी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। कुछ पुरातत्व शास्त्रियों और लेखकों का यह कहना है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था और उसे ताजमाल्या कहा जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया, इसलिए ये तहखाने ताजमहल से भी पुराने हैं। लेकिन अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे इन तहखानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई प्रकार की धातु होने की पुष्टि हुई है। लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों का यह भी मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफी आईं, लेकिन इन्हें कभी भी असली जामा नहीं पहनाया जा सका। इनमें से कई दरवाजे खोले गए लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, जिससे यह रहस्य और भी गहरा जाता है। इन दीवारों के पीछे क्या है जिसे जानने से सरकारें भी डरती हैं? दोस्तों, अंत में हमारे मन में भी यही सवाल उठता है कि आखिर इन दरवाजों के पीछे क्या है जिसे सरकारें भी हमसे छुपाए रखना चाहती हैं, और क्या सच में इसमें ऐसा कुछ है जो हमारा इतिहास बदल सकता है? एक न एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई को छुपाया तो जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता, और हर सच एक न एक दिन सामने जरूर आता है। दोस्तों, देखते हैं ये ताजमहल के रहस्य कब खुलते हैं, कब दुनिया के सामने ताजमहल का सच आता है।